घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं चर्चा चुनाव की। चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी होगी सरकार, इसको लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट की। खंडवा में कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट्स के बीच में एक नाम उभर कर आ रहा है, सुनील आर्य का। आज हम इसी युवा नेता से चर्चा करेंगे कि आखिर खंडवा से उनका नाम क्यों। सुनील आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि खंडवा में जो है आपका नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ रहा है, कहीं राजनीतिक गलियारों में भोपाल से लेकर दिल्ली तक यह नाम पहुंच गया है और लोग ये कह रहे हैं कि पहले नंबर पर अगर कांग्रेस से नाम है तो सुनील आर्य का। आखिर ये नाम कैसे पहुंचा और सुनील आर्य इस बार चुनाव में कांग्रेस की ओर से क्यों? बहन जी, मैं और मेरा परिवार, हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम लोग कांग्रेस के साथ में काफी समय से कार्य कर रहे हैं। और रहा सवाल कि नाम क्यों आ रहा है, तो जो आदमी जमीन पर काम करता है, पार्टी और ऊंचा जो नेतृत्व है वो भी उन चीजों को देखता है कि कौन आदमी जमीन पर पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए बार बार आवाज कौन आदमी उठाता, इस कारण नाम आ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं काफी पीछे पहुंच गई। 1985 में अंतिम बार नंदा मंडलोई यहाँ से चुनाव जीती थी और नंदा मंडलोई के बाद से यहाँ पर कांग्रेस के लिए सूखा देखा जा रहा है। अब इस सूखे को हरा भरा कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार का गढ़ बना हुआ है उसके अवैध किले में सेंध कैसे लगाएंगे? सूखा तो 1984 के पहले हमारे जो निमार क्षेत्र में भी सूखा ही था और इंदिरा गांधी जी जब आए थे और इंदिरा सागर बांध की यहाँ पर नींव को रखा, आज बांध बनकर तैयार हो गया और आप देखेंगे कि हमारा जो निमाड़ हरा भरा हो गया। तो सूखा दूर करना सिर्फ कांग्रेस को ही आता है। कैसे आप राजनीतिक एक जो बड़ा गैप आ गया है और आप कांग्रेस के कैंडिडेट्स अगर आते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को बेधने में बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, तो कैसे आप जीत दिला पाएंगे? चूंकि सवाल खंडवा का है और काफी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं है, ये तो आप भली बात ही जानते हैं, पर इस बार स्थितियां विपरीत हैं। शहर के लोग, खंडवा के लोग, खंडवा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब भाजपा को जान चुके हैं और वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, जो चुनकर आए हुए हैं, उनका भी कार्य क्षेत्र देख चुके हैं और जनता अब त्रस्त हो चुकी है और जनता अब बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, जनता को यहाँ पर मुद्दे क्या मिलेंगे, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच में जा रही है ताकि वो बदलाव की बयार आ सके? मुद्दे ये आप ये ना हमसे पूछ रहे हैं, मुद्दे यहाँ तो मुद्दे ही अमुद्दे हैं यहाँ पे, और ये सारे मुद्दे भाजपा और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने ही हमें दिए हुए। आप देखेंगे कि आज उनके 35 साल के कार्यकाल में शहर में एक रिंग रोड आया नहीं, शहर में बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, व्यवसायिक क्षेत्र स्थापित हुए, कोई उद्योग स्थापित हुए नहीं हुए। आज पूरे खंडवा शहर में आप देखेंगे कि एक आदमी अगर शहर में कुछ खरीदारी करने के लिए आता है तो उसके पास वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं, तो हमने शहर को क्या दिया इतने समय में? विधायक देवेंद्र वर्मा जी बताते हैं कि नंद कुमार सिंह चौहान जी सांसद थे, मेडिकल कॉलेज आया, फिर रूधी में ग्रोथ सेंटर बनाया, उनका कहना है कि बाईपास की उन्होंने एक आधारशिला रख दी है, कहीं ना कहीं 4 लेन बन रहा है, तो ये सब विकास उनके ही जमाने में हुआ है।
अभी वर्तमान में धरातल पे क्या है, वो तो अगर चाहेंगे कि खंडवा में एयरपोर्ट की आधारशिला रखना है तो वो तो उसका भी भूमि पूजन कर देंगे, वो तो उनकी जो परिपाटी है उसमें हम कुछ नहीं सकते। अभी वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे कि यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी है, कहते हैं कि कांग्रेस को अगर टिकट मिलता है, अच्छे कैंडिडेट भी आते हैं, आप भी आते हैं, तो कांग्रेस कांग्रेस को हरा देती है, कहीं ना कहीं वो गुटबाजी अब दूर हो चुकी है, क्या क्या रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में गुटबाजी पूरी तरीके से दूर हो चुकी है और सभी कांग्रेसजन मिलकर पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे और जनता भी पूरी त्रस्त हो चुकी है और जनता भी लोगों के साथ है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, हमने देखा है कि आपके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाई देती है कि आप किसी के सुख में दुख में हर जगह शामिल होते हैं, क्या दर्द वहां से आता है, पब्लिक क्या चाहती है, क्या देखा? मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो मैं एक अपनापन लेकर जाता हूं, मैं कोई राजनीतिक उससे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाता, जहां जिन लोगों से मेरा इतने सालों का जुड़ाव है, मेरा जिनसे जनसंपर्क है, उनके यहाँ सुख दुख में मैं जाता हूँ, पर वहां जाकर मैं देखता हूँ कि वाकई में इतने सालों तक जनता ने जिनको जनप्रतिनिधि चुना, उन्होंने जनता को एक छोटी छोटी चीजों के लिए त्रस्त करके रख दिया। आज गांव में आज भी महिलाएं काफी दूर दूर से पानी लेकर आती है, गांव में आप देखेंगे तो जो सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं, यानी उन लोगों को ऐसी छोटी छोटी मूलभूत चीजों के लिए भी यानी त्रस्त कर दिया, वो लोग बहुत ग्रामीण अंचलों में तो लोग बहुत दुखी है। युवा नेता के रूप में आप एक पहचान बनाई है, आगे उभर कर आए हैं, आपका नाम भी चल रहा है, अगर टिकट मिलता है विधायक भी बनते हैं, खंडवा को लेकर क्या सोच है, क्या विजन रहेगा आपका? खंडवा को लेकर हमारे बहुत सारे विजन है और हम एक अच्छी सोच से काम करेंगे, जनता जिन चीजों से आज परेशान है हम सबसे पहले उनको उन चीजों से मुक्ति दिलाएंगे, ताकि वो शहर में जब भी कुछ कार्य को लेकर आए, खरीदारी करने को लेकर आए, कोई भी चीज को लेकर तो शहर में खुश होकर आए और शहर से खुश होकर वापस आए, ये है ना हमारी सोच। तो ये थे सुनील आर्य जी, जो यहाँ पर कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। इनका एक विजन है कि शहर को ये यहाँ पर एक नई सौगात देना चाहते हैं कि उन हर यहाँ का अगर कोई युवा है उसके चेहरे पर मुस्कान हो, यहाँ के व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान हो, यहाँ के मजदूर के चेहरे पर मुस्कान हो, हर वर्ग खुशहाल रहे, इसलिए ये यहाँ पर जनता के बीच जाकर सेवा करना चाहते हैं। इनका टिकट कब पक्का होगा, किस तरह से इनको जो है जनता आशीर्वाद देगी, यह आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए चर्चा चुनाव की। नमस्कार। हो जाइए तैयार, गोल्डन ग्रुप रितेश कपूर और विश मास्टर इवेंट्स आशीष जायसवाल लेकर आए हैं पूर्णतः पारिवारिक केसरिया गरबा महोत्सव।